शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मेरा बेटा वरुण वर्ल्ड्स यंगेस्ट मैजिशियन, अपने दोस्तों को जादू दिखाना उसको बहुत पसंद है। मेरा सपना है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बने और मेरा नाम रोशन करे। भरोसा करें फ्यूचर वर्ल्ड इंश्योरेंस चिल्ड्रंस प्लान में, ऑलवेज विद यू। व्यापार समाचार में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस भाग में आप देखेंगे इंडिया इंक के कुछ नए पहलू, जहाँ एक तरफ चर्चा का विषय है प्रोविडेंट फंड यानी आपके पीएफ की बढ़ती ब्याज दरें, और दूसरी ओर बिजनेस की ऊंचाइयों को छूते मिस्टर अजीत तलवार, जो कि आज बहुत बहुत मुश्किल से हमारी पकड़ में आए। तो मिस्टर अजीत तलवार, 6 नए बिजनेसेस, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हर बार जब भी मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है, सारे लोग, चाहे वो प्रेस के हो या मेरे कलीग्स, यही कहते हैं कि अजीत तलवार पागल हो गया। बस आज भी यही हो रहा है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के जितने भी नामचीन दोस्त हैं मेरे, सभी लोग यही कह रहे हैं कि अजीत तलवार ने जितना पैरासिटामोल बेच के कमाया है, वो सारा का सारा पैसा मीडिया बिजनेस और रियल एस्टेट लग्जरी होम्स में गवा देगा। वेल, द फैक्ट इज, मुझे नई शुरुआत से डर नहीं लगता, मजा आता है रिस्क लेने में। ये एसी कमरों में बैठ के कुर्सियां तोड़ना, ये मेरा सपना कभी नहीं और कभी नहीं रहेगा। सो लग्जरी होम्स के लिए मैंने जर्मनी से खास आर्किटेक्ट्स बुलवाए, एंड आई प्रॉमिस यू इट विल बी वन ऑफ अ काइंड। जहां तक टीवी चैनल्स का सवाल है, करीबन कितने 130 टीवी चैनल्स हैं, पर हम ये नहीं सोच रहे हैं कि चाहे जितने भी टीवी चैनल्स हों, टीआरपीस 8 के एवरेज से आगे जाने हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ तो कमी है भाई। सो 13 टीवी चैनल्स, एक प्रोडक्शन हाउस, एनिमेशन स्टूडियोज, सीरीज एंड डीवीडीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इन सब में घुस गया। जस्ट वेट एंड वॉच, देयर इज अ लॉट मोर टू कम। Sit down. You can't make us sit like this on a national holiday. National pride empty shaker ke liye national holiday se badke. Look, we don't have all day. Jo kuch puchna hai, jaldi poocho. No shame on your heinous acts of crime. People like you are eating the country like parasites. Tum to ek South Indian ho, Mr. Rajalingam. Chah! Tumhara naam mein king hai, lekin your actions are like a beggar. Save your views for an essay competition, Mr. Shekaran. Now let's get down to business. Oh, I want to know the details of all your finances. Who is Vikas Malhotra? Who is Rahul Vora? Who is Mulchand Sharma? I want all their contracts and documents. मुझे तो सिर्फ एक ही document चाहिए. You have a warrant? Warrant? You want a warrant?
Don't bother. And happy Independence Day to you. Wait! Stop it! Mr. Chavati, per diem ka files kidhar hai? Aur Mr. Rajalingam ka inquiry papers kidhar hai? Bhushan ke paas? Bhushan kidhar hai? Chutti pe? Get it! Oh no! Yes! Not again! Come on! Ajit, फिर से यार। क्या कबूतर? आ गया फिर तू? तेरी गेम खराब होती है अभी बॉस? या फिर तेरी बेहतर? हाँ? रवीना, my back यार। Yeah, okay. अजीत तुझे इनवाइट करना था क्या वेडिंग एनिवर्सरी रवीना का शो है ना आओ गेस करें उसका फाइनल एपिसोड है थैंक्स बेटा उसकी रैप पार्टी ऑर्गेनाइज करी है क्रूज पे क्रू को भी थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा बेचारे 6 महीने से काम कर रहे हैं फैबुलस कांग्रेचुलेशंस रवीना थैंक यू आगे क्या फीचर फिल्म उसके लिए स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी ना तो हमारी लाइफ पे लिख दो भाई फंड कर देंगे और हीरो किसको लेंगे अगर आप हीरोइन बनने के लिए तैयार है तो हम हीरो बन जाएंगे और मैं क्या करूंगा तुम हीरो का दोस्त जिसकी बहन का रेप हो जाता है इनाफ हां कम नाजीद वी हैव अ गुड टाइम कब है वीकेंड यार इम्पॉसिबल इन्वेस्टर्स की मीटिंग है हमारी कहां है फोर सीजन ना कॉल फॉर यू सर टाइम निकालना मुश्किल है आ रहा हूं अरे बिजनेस कभी प्लेजर के लिए भी टाइम निकाल लो यार जिस दिन तो बिना एक्सपेक्टेशन के बुलाएगा ना कपूर Definitely आऊंगा सारे इन्वेस्टर्स की प्रोफाइल्स मुझे ऑफिस में भेज दो ओके हाय डार्लिंग क्या हुआ अजीत तुम पागल हो गए हो यू ट्राइड टू शूट माय पपी आई एम आल्सो योर पपी नाउ बकवास बंद करो अजीत अगर उसे सचमुच गोली लग जाती तो कहां से गोली लगती खाली राउंड से और तुम्हारे ये क्या नया एक्सपेंशन प्लान है अजीत डैड के रिटायरमेंट के बाद तुमने ऑलरेडी 6 कंपनीज लॉन्च की हैं क्या हुआ व्हाट प्रॉफिट्स आर यू टॉकिंग अबाउट इट्स फॉर द वर्ल्ड मैनू प्लीज डोंट आर्ग्यू यार कम ऑन और इन्वेस्ट कौन कर रहा है तुम्हारी इन फिक्टिशियस कंपनीज में पेपर इज मोर देन द एक्चुअलिटीज भूल गए प्रोफेसर समझ से क्या 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 कहा था ओह रियली अरे यार यू नो वी वेंट टू द सेम बिजनेस स्कूल अजीत मुझे और मेरे डैड का एक तरीका है बनाने की कोशिश मत करो तुम्हारा डैड होते तो अभी तक हम लोग वहां खेड़ेगांव में बिजनेस कर रहे होते खेड़ेगांव में राइट हु न्यू ऑफ दिस कंपनी यार एवरी किड नोस द कंपनी ना एवरी किड नोस द कंपनी लेकिन उन्हें सिर्फ यही नहीं पता है कि तुम खोका कंपनी से हो खोका कंपनीज नहीं है नहीं ये अजीत पब्लिक इशू और दिस है ना एक चीज तुम्हारे ऊपर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार आई एम टेलिंग यू नाउ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग हेलो हां क्या बोल रहा हूं यार हां हु टिप्ड यू हां मैं फोन करता हूं क्या हुआ आईटी रेट पढ़ने वाली है What? अब तुम्हारे इन्वेस्टर्स का क्या होगा आपके साथ मीटिंग करना जरूरी है लेट मी सी व्हाट आई कैन डू मैं जाऊं क्या नहीं 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 प्लीज वहां जाके उल्टा सीधा कुछ बोल दोगे लेने के देने पड़ जाएंगे कुछ चीजें मुझ पे छोड़ दो ना यार एंड व्हाई आर यू स्माइलिंग तुम्हारे चेहरे पे डर देख कर ना बहुत अच्छा लगता है अजीत तलवार Hello everybody. All is well, I hope. मुझे मालूम है हम लोग एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं बट आवर ग्रुप द विस्टा ग्रुप विल नेवर डाउनसाइज
किसी की नौकरी नहीं जाएगी, सैलरीज कट नहीं होंगे, दैट्स माय पर्सनल गारंटी। और हाँ, अगर मेरे अलावा किसी भी एम्प्लॉय पे टैक्स इवेजन या कोई लीगल एक्शन होता है, आई विल प्रोवाइड यू द बेस्ट लॉयर्स इन दिस कंट्री, दैट्स माय प्रॉमिस, आई विल टेक केयर ऑफ यू। सर, मेरे नाम पे कंपनी ने बैंगलोर में एक गेस्ट हाउस लिया था, दुबई वाले कजन को गिफ्ट कर दो। सर, लेकिन मेरी तो कोई स्मिता त्रेहान, रविराज विल गिव यू द एड्रेस। अबाउट द मॉरिशियन कंपनीज, देयर राघव, ही इज बीन प्रमोटेड, ही इज लीविंग टुमारो, टेकिंग चार्ज। थैंक यू सर। आंट यू गो टू गिव एन अप्लॉज फॉर दिस मैन, यार कम ऑन। कहां थे यार? सॉरी फॉर द डिले सर। सर, वो साउथ एशियन इन्वेस्टर्स की मीटिंग सॉल्यूशन मिल के अंदर बात करते हैं। एनी मोर डाउट्स? नो सर। गुड, हर मुश्किल की तरह ये भी पार हो जाएगा, ट्रस्ट मी, एंड वी विल मेक विस्टा गे मच बेटर एंड मच बिगर, दैट्स द स्पिरिट। अमेजिंग स्पीच सर। हाँ, देना पड़ता है यार। सर, वो साउथ एशियन इन्वेस्टर्स की मीटिंग का क्या होगा? वो कैंसिल नहीं होगी, पोस्टपोन होगी, वेन यू डेट शाम तक बोल दूंगा मैं, और बाकी सब अरेंजमेंट सेम होगी। स्टॉप, I think that's the right length. Okay. वो IT inspector, पूरी डिटेल चाहिए मुझे, क्यों है, कहाँ है, किस लिए है, मतलब जैन कुंडली। yeah. जाऊँ? हाँ। बंदा वाला मार है, भारी चक साल है, ऊपर बालकनी और नीचे स्टॉल है, और मेरे पास आपके लिए सवालों का एक जाल है। सरप्राइज गिफ्ट, तो बताइए बुलाएं आज के आखिरी पार्टिसिपेंट को। मैम, छोटी सी प्रॉब्लम है, दो मिनट में सॉल्व हो जाएगी। से वी हैड लॉस्ट शूट फॉर 1 आवर यस्टरडे। मैम, इज द काउंट ओके? हां, तो जरा राइट पे, द फॉन्ट इज राइट, जस्ट चेक द बैलेंस एंड सेंड इट टू रवीना मैम फॉर फाइनल अप्रूवल। यस मैम। मैम, द इनविटेशन कार्ड इज ऑन इट्स वे, द शर्ट इज आल्सो बीन सेंट अप। या द चेक इज इन द कंट्रोल रूम। Yes, ma'am. I'm about to meet him right now. Bhushan ji, chaliye, let's go. ये क्या किया आपने? ये तो बुरी नजरों से बचने के लिए काला तिल लगाया मैंने। मेरी माँ हमेशा लगाती थी जब भी मैं कोई महत्वपूर्ण काम करने बाहर जाता था। लेकिन भूषण जी, यहाँ पे कौन नजर लगाएगा आपको? रंजनी जी, सब आपकी तरह नेक दिल वाले नहीं है। अरे, हजारों करोड़ों लोग देखते हैं शो, किसी की बुरी नजर लग गई तो? हाँ, लेकिन ये दो क्यों डाले आपने? दो सवाल बचे हैं ना, इसलिए दो तिल। गॉड, प्लीज निकालिए इसे भूषण जी। बाबू, ये क्या है? ऐसे थोड़े ना जा सकते टीवी पे। मैडम, कितना बोला, सुनते ही नहीं है। और भूषण जी, अब जल्दी चलिए, वैसे भी आप जीतने वाले हैं। आर यू श्योर? कंप्लीटली। और जब वो आपको बोले डबल या कैंसिल, तो आप डबल ही बोलिएगा। ओके, डबल। डन, प्लीज लेट्स गो नाउ। चलिए चलिए चलते। तो बताइए मिस्टर भारत भूषण, How are you feeling today? जी, वैसे मुझ में आत्मविश्वास की कमी तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा नर्वस जरूर हूँ। Well, you're just two questions away from your grand prize. जी, वो क्या है कि सुनील गावस्कर जी ने कहा है, It's not over until the last ball is bowled. अरे, क्या बात है, क्या बात है? Very well said. It's not over until it's actually over. खैर, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल हमारे कंप्यूटर की खिड़की पर। कितने प्रतिशत भारतीय मर्द अंडरवेयर पहनना पसंद नहीं करते? आप अंडरवेयर पहनते तो हैं भूषण साहब? जी, दर्पण जांगिए, थोड़ा देखिए, थोड़ा मांगिए। पसंद है आपको अंडरवेयर पहनना? जी बिल्कुल, किसे पसंद नहीं है। शर्मा रहे हैं आप। अजी, मैं क्यों शर्माऊं, मैं तो पहन के आया हूँ। Well said, well said. खैर, जवाब सोच लिया आपने? चौरासी प्रतिशत 84%
आइए देखते हैं कि मेरे कंप्यूटर की खिड़की पर सही जवाब क्या है। 80 to 85% and to be precise, 84% absolutely correct. क्या बात है, क्या बात है? How did you guess it? देखिए, देश की आजादी के लिए 84% लोगों ने संघर्ष किया था, और ये वही 84% लोग हैं जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन में भी भाग लिया था, जहां उन्होंने पतलून छोड़कर धोती और अंग वस्त्रम छोड़कर आजादी का रास्ता अपनाया था। तो जाहिर सी बात है कि ये वही 84% लोग हैं जो अंडरवेयर पहनना पसंद नहीं करते। इतना बड़ा ढक्कन है ये, कहां से पकड़ कर आए उसे? माय चॉइस चैनल, लव देम, ऑनर होने दो, फिर टीआरपीस देखना, ऑडियंस इज गोइंग टू गो क्रेजी अबाउट इट। रंजनी, बैकस्टेज में बहुत आवाज हो रही है, जस्ट स्टॉप इट। मंत्रा, वील गो फॉर द ब्रेक सेगमेंट नाउ, ऑल कैमरास रेडी। अभी हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं जाइएगा मत, हम वापस आएंगे उस आखिरी सवाल के साथ जो कि हम पूछेंगे मिस्टर भूत। माफ कीजिएगा, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या ये ब्रेक मैं अनाउंस कर सकता हूँ? जरूर, दिस इज योर नाइट, गो अहेड। लौट के आ, लौट के आ, लौट के आइएगा एक छोटे से ब्रेक के बाद, जाइएगा नहीं और देखते रहिए। ओह माय गॉड, कितनी फुटेज खाता है ये आदमी। एक्सक्यूज मी भैया, आपसे क्या मिलना है? अच्छा, वो सब तो ठीक है, तू ये बता, तू पिएगा क्या, टी कॉफी या फिर एक सिंगल मॉल्ट? थोड़ा बाहर चल, जस्ट 2 मिनट्स, बॉय टॉक, प्लीज गो अहेड, सी ऑल। ऑल वेल? All well, यार। लगता तो नहीं है। अजीत, तुझे क्रूज की जरूरत है, चलना यार। नहीं यार, साउथ ईस्ट एशिया के इन्वेस्टर्स आने वाले, अभी खबर मिली है कि इनकम टैक्स रेट बढ़ने वाले। क्या? Exactly. I don't even think of a vacation or cruise, यार। अरे वेकेशन नहीं, क्रूज पर ही इन्वेस्टर्स की मीटिंग करनी है, चल। नहीं रहने दे यार, सारी तैयारियां हो चुकी है फोर्सेस। तुझे क्या लगता है टैक्स इंस्पेक्टर फोर्सेस नहीं पहुंच पाएंगे? कपूर यार, इतने सारे इन्वेस्टर्स हैं, लास्ट मोमेंट में बुकिंग करनी पड़ेगी क्रूज पे यार। मैं पूरी अरेंजमेंट्स कर दूंगा, इट्स अ साइन अजीत, ये शुरुआत है हमारी लॉन्ग टर्म एसोसिएशन की। मेरी बात मान, तू नैना को भी साथ ले चल, खुश हो जाएगी। अजीत, हाँ या ऑफ कोर्स, नॉट अ बैड आईडिया। रंजनी सर, मीट माय डियर फ्रेंड मिस्टर अजीत तलवार। हेलो। हेलो रंजनी। Mr. Talwar might be financing the next season of Our Guest Karen. Oh, that's wonderful. I have heard of him, of course. Oh, yes, of course. The dashing and dynamic Mr. Talwar. Marketing genius, financial tycoon. Media wale bhi na, hamesha sach likh dete hain. I'm just joking. Just call me Ajit Ranjini. Of course. Oh. Would you like to excuse me, sir? मतलब सभी लोग जा रहे हैं तो मैं कौन होता हूँ मना करने वाला? ये आपके लिए, ये सब आपके बिना संभव नहीं था ना। No, भूषण जी, आप बहुत टैलेंटेड हैं। मेरे हाथ अभी तक कांप रहे हैं। भूषण जी, you are a winner. विश्वास नहीं हो रहा? ना। अब? जी, अब तो पूरी तरह से हो गया। चलो। So, you're a rich man, भूषण जी। अजी, पैसों से भी कोई आज तक अमीर हुआ है रंजनी जी? ये तो बस कुछ महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का साधन है। तो आप अपने 25 लाख के साथ क्या करेंगे? एक म्यूजिक एल्बम बनाने का पुराना सपना था, अब ये सब संगीत की सेवा में ही अर्पित होगा। That's so sweet. अजी, स्वीट तो आप हैं रंजनी जी, आपको पता है आपका नाम संगीत के एक राग से निकला है। जी हाँ, शिव रंजनी, मेरे भाई का नाम शिव है और मेरा नाम रंजनी। क्या बात है, संगीत की इतनी महत्ता आपके परिवार में? मेरे पिता का नाम मल्हार है तो और... जरूर आपकी माता जी का भी नाम किसी राग पे ही होगा। यस, भैरवी। ये सुन के मेरा दिल गदगद हो उठा है रंजनी जी, कहीं कहीं आपके पिताजी भी संगीत के क्षेत्र में कुछ? मेरे पिताजी नहीं, मेरे दादाजी।
शांतनुदा, वो हेमदा की ऑर्केस्ट्रा में वायलिन बजाया करते थे। अच्छा, तो इसका मतलब है ये धुन भी? यस रवीना मैम, हियर ग्रीन रूम, आई एम ऑन माय वे। आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा, बट कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन, बाय। धन्यवाद। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास। अरे जजमान, थोड़ा धीरे बजाइए ना। अरे पंडित जी, आप जरा तेज गाइए ना। हो जय जगदीश हरे। हेलो हेलो, हाँ बोल एमटी शेखरन। वारंट लेके क्यों ना आया? हाँ वारंट यार, मैं तुझे फोन करने ही वाला था, वो हमारे ऑफिस के कंप्यूटर में वायरस लग गया है। वायरस? यू आर वायरस, यू कामचोर, वेयर आर यू नाउ? अरे यार, मैं मंदिर के बाहर खड़ा हूँ यार। हाँ, ओम जय जगदीश हरे। लायर, व्हाइट लाइज और फ्रॉड के अलावा तुम नॉर्थ इंडियंस को कुछ और आता भी है? अरे यार, क्यों बात का बतंगड़ बना रहा है? अंदर सचमुच पूजा चल रही है, आके देख ले। कल हम दोनों को रेड पे जाना है। रेड पे? लेकिन कल तो मुझे छुट्टी पे जाना है। अरे यार शेखरन, अरे मैं तुझे कल फोन करने ही वाला था, तू ना मेरी लीव की एप्लीकेशन दे दे। You have wasted all your leave on auditions, all around leave, silly man. अरे तो कैश वाली दे दे। कैश? डेली 200 रुपीस कटेगा भूषण, तुम्हारे सिंगिंग और डांसिंग का चक्कर ना तुमको रोड पे लेके आएगा। डोंट फॉरगेट, यू आर एन इनकम टैक्स ऑफिसर। यार शेखरन, मुझे तो कभी कभी लगता है ना कि तेरे अंदर से मेरे पिताजी बोल रहे हैं, वो भी मद्रासी में। मद्रासी? I am not मद्रासी, I am from Kerala. Same thing यार, filter coffee. Filter coffee यार? If we are filter coffee, you are परसों का साग। मेदू बड़ा। मूली का पाद। पैराशूट नारियल तेल। ढाबर लाल दंत मंजन। सड़ा हुआ पैसम। बासमती राइस। अंगडू वंडू। अस्सी तुसी। बल्ले बल्ले। इंगपा। लड़ाई लड़ाई माफ कर, कुत्ते की टट्टी साफ कर। यार तुझे एक बहुत अच्छी खुशखबरी देनी थी। क्यों, तेरे गले में फोड़ा है? अरे यार, तू आदमी है कि घोड़ा है? अरे जीवन में पहली बार क्रूज शिप पे जाने का मौका मिला है जी, क्रूज शिप पे। हारमोनियम बजा बजा के तुझे सड़क पे भीखने मिला, इसीलिए तू क्रूज पे जा रहा है? अरे मेरे वीरप्पा ने इनाम मिला है मुझे। भाई भाई, अरे आओ गेस करें। मुझे गेस नहीं करना। अरे रसम कड़ी वो गेस नहीं, टीवी शो। आओ गेस करें। विनाश कालम सर्वनाशनम। इधर मैं गवर्नमेंट का ड्यूटी करते करते कुत्ता बन गया और तू? मेरे पिताजी कहा करते थे कि हर कुत्ते के दिन फिरते हैं, एवरी डॉग हैज इट्स डे। तू मुझे कुत्ता बोल रहा है? अरे मैं कहा, तू ही बोल रहा था अभी। इसका मतलब है तू नहीं आएगा? इसका मतलब है कि मैं नहीं आऊंगा। गुड बाय। शरिया भैया, बाय बाय। सांबर का कच्चा। ओए बोला था ना हाथ मत लगाना, मेहनत की कमाई है मेरी। अरे चाचा ऐसे लगा। अरे एसी का भतीजा, जा जा, चाची बुला रही है। इसे देखो, मुझे नसीहत देने पे तुला हुआ है। अरे मुझे, तूने ऐसा अभी तक जमा नहीं कराया? जीत गए चाचा हम। देखा आपने, बाकी सब परास्त 25 लाख। लेकिन तूने इसे अभी तक जमा क्यों नहीं करवाया? अरे ये हाथी के दांत हैं, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। मतलब? मतलब कि ये है जमा कराने वाला चेक। अच्छा। देख लीजिए, सारा टैक्स काट के दिया है। तैयारियां होगी तेरी? अरे चाचा जी, हमारे खानदान के लोग वक्त से पहले तैयार होने में विश्वास करते हैं, एवर रेडी हैं जी। रहने दे, अपने खानदान की ज्यादा हेकती मत दिखा। ये बताइए, पासपोर्ट और करेंसी कहाँ रखेगा तू? अरे चाचा जी यहाँ बैठिए, दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, स्पेशल चोर पॉकेट बंडी। रेडीमेड ली है क्या? अरे चाची ने सिलवाई है विदेश यात्रा के लिए। कितनी बार कहे तेरी चाची से कि मेरे लिए भी कुछ इंतजाम कर दे, लेकिन मेरी सुनता कौन है? जहाँ मौका मिला बस कर दी बुराई, खुद तो जैसे बहुत कुछ लाते हो मेरे लिए विदेश से। और क्या लाऊं मैं तेरे लिए? तू क्या समझती है कि मैं वहाँ पर रेस्ट करने के लिए जाता हूँ क्या? ये केबल टीवी, बासमती चावल और बच्चों के लिए वाटर प्रूफ बैग यो ही आ जाते हैं क्या? एड़ियां घिसनी पड़ती है। बात करती है, ये लो लीजिए, आ गई आपके लिए भी बंडी। कितने भाग्यशाली हैं आप चाचा जी, जो चाची जैसी संगनी मिली है आपको जीवन में। अरे तू चाची को मार गोली, तुझे पता है जब गांधी जी पहली बार विदेश गए थे तो उनकी माँ ने उनसे क्या कहा था? मैं भी तुला राशि का हूँ, गांधी जी के सारे आदर्शों की फोटोकॉपी मेरे हृदय पे अंकित है। एक मेरी बात कान खोल करके सुन ले, वहाँ विदेश में जाकर किसी
गोरी चमड़ी वाली के चक्कर में मत पड़ जाना। माफ कीजिएगा वीरू चाचा, आपकी ये रंग भेद नीति ना मुझे कतई पसंद नहीं। जरूरी बात करनी है। अभी नहीं सर, बैड न्यूज। कभी तो गुड न्यूज दिया करो यार। सर क्रूज पे एक टैक्स इंस्पेक्टर है। क्या? हाँ सर, पता करो कौन है। यस सर। ऑल वेल? स्लाइट प्रॉब्लम यार। चलो जी। जी मुझे यहाँ 2 nights और 3 days के लिए इनवाइट किया गया है। So can you show me the invitation, please? एक मिनट। May I borrow your help, please? Welcome aboard, sir. I was only doing my duty. कोई बात नहीं। कोई तो है मेरे अलावा जो अपना काम इतनी लगन, निष्ठा और ईमानदारी से करता है। देख लीजिएगा, ईश्वर एक दिन आपकी झोली खुशियों से भर देगा और आप एक दिन बहुत तरक्की करेंगे। मिस्टर धर्म भारती फ्रॉम नेपाल। अरे कमाल है, आपका नाम तो भारतीय है लेकिन आप हैं नेपाली। भूषण जी, भूषण जी, रंजनी जी, I was just how calling you. Ranjini ji, how do you do? ने अपना सामान अपने कमरे में क्यों नहीं रखा? अरे वो क्या हुआ रंजनी जी की, पहले तो मैं रास्ता भूल गया और फिर मेरी फेवरेट छतरी जो वीरू चाचा ने। No problem, Bhushan ji. I will have it sent up to your room. Actually, इन्होंने मेरी बहुत मदद की है. Meet my first friend on the cruise, Mr. Dharam Bharti from Nepal. Dharam ji, इनसे मिलिए. ये रंजनी जी हैं. अगर ये ना होती ना तो हमारी आपकी मुलाकात कभी ना होती. धर्म, can you please have Mr. Bhushan's luggage sent up to his room? I'll do that right away, ma'am. Dharam ji,
उनसे कहिएगा इसे सीधा ही रखे, इसमें अचार है कहीं लुढ़क ना जाए, और ऊपर कुछ ना रखे क्योंकि इसमें कुछ टूटने वाली चीज भी है। Don't worry, sir. Your luggage is going to be safe and secure. रंजनी जी, आप तो गेस भी नहीं कर सकती कि मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। क्या? गेस कीजिए। अरे आपने तो कहा था कि मैं गेस नहीं कर पाऊंगी। अरे फिर भी आप थोड़ी ना कंपटीशन में हिस्सा ले रही हैं। आइए। चलिए। रंजनी जी, मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना? एकदम परफेक्ट भूषण जी। वो क्या है ना रंजनी जी, कि मेरे परिवार के पुरुषों को परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है। मेरे पिताजी डिस्ट्रिक्ट में सबसे अच्छा गाते थे, लेकिन खैर छोड़िए। नो, नहीं नहीं, गो ऑन। पटना गीत गोष्ठी में जब उन्हें पहली बार गाने का मौका मिला तो ढेर सारा दर्शकों और आलोचकों का समूह देखकर गा ना सके, अकेला सा महसूस करने लगे। लेकिन भूषण जी, आज आप अकेले तो नहीं है ना? हाँ, आप जो मेरे साथ हैं। है ना? हाँ ना। तो आप चले? You really think it's different? Oh yeah, it's wide open. Anybody else? Hey Ajit, where's your drink? Yeah. Oh hi. Hey, how are you doing? Just make sure you get it. Hello, how are you? Hi guys, how's this table doing? It's not like us. We. Yeah, but then you know. Good evening. Darling, no work tonight. Enjoy yourself. Just a minute. Sure. All right. Bye. Just ask for. This is a party. You're looking gorgeous, Miss Ranjini. Good evening. मैंने आपको पहले इधर देखा नहीं। हाँ वही, हम भी कोई देखने वाली चीज थोड़ी। अजय, नहीं नहीं, देखा तो हमने भी नहीं था आपको, लेकिन जिससे परिचय ना हो उसे देखा अनदेखा एक ही चीज है कि नहीं? I'm sorry, Mr. भूषण, ये है मिस्टर अजीत तलवार। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहाँ पे इनकी पहुँच ना हो। म्यूजिक इंडस्ट्री में कोई अप्रोच है आपकी? नहीं। अरे म्यूजिक ही नहीं, मीडिया, फाइनेंस, मार्केटिंग, शेयर मार्केट, पीआर, ही इज इनटू एवरीथिंग। बहुत खुशी हुई आप जैसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी पुरुष से मिलकर। और मिस्टर तलवार, ये है मिस्टर भूषण, हमारे शो आओ गेस्ट करेंगे। मेनन, हाँ, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। वो क्या हुआ कि इनसे तो मिलवा दिया आपने, ये बताइए खुद से कब मिलवाएंगे आप? जी क्या बात है मिस्टर तलवार, कितना लाजवाब ह्यूमर का सेंस है आपका तो। नहीं रंजनी जी। हेलो मिस्टर भूषण। वेलकम मिस्टर भूषण। रवीना जी, मिस्टर कपूर, आप तो कितनी जच रही है सिल्वर सिल्वर में। स्कूल लेके जाने से सोच रहा था कि मैं रेड शर्ट पहनूं, लेकिन लाल रंग देख के। I'm so happy that you could make it. अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं जरूर आऊंगा। ये तो वही बात हुई कि आप यहाँ आए किस लिए, अजी आपने बुलाया इसलिए, अब आए हैं तो काम तो बताइए, नाना पहले जरा आप मुस्कुराइए। मिस्टर भूषण, चलो आपको सबसे मिलवाते हैं। अरे आइए ना, आइए ना, आइए आइए। हाँ चल फिर हम चलते हैं। सर, शो यू राउंड। मिस्टर विक्रम जोगलेकर, हमारे चैनल हेड। हाय, हाउ आर यू? माय सेल्फ मिस्टर भारत भूषण, प्लीज टू मीट यू। आओ गेस करेंगे। हाउ इज एवरीथिंग? वेरी प्लीज टू मीट यू आल्सो सर। हाय हाय, हाउ आर यू मिस्टर भूषण? दैट्स फैंटास्टिक। नमस्ते जी। ओके प्लीज एक्सक्यूज मी, आई विल बी बैक। ओके बाय। बैठिए मिस्टर भूषण जी। तो जोक लेकर, फायदा कैसा है? गुड, वेरी गुड। यू नो व्हाट्स द बेस्ट पार्ट, शेफ स्पेन का नहीं है, इटली से। तुम्हें पता था? यू नो सबसे अच्छे फायदाज फ्लोरेंस में मिलते हैं, खासकर डोनातेला। नियर द डुओमो। जब भी मैं फ्लोरेंस जाता हूँ मैं वहीं पे खाता हूँ। आई स्टिल फील मेक्सिको में बेस्ट फायदाज मिलते हैं। दैट्स डिबेटेबल। एक्सक्यूज मी। या वेरी नाइस, स्ट्रेट फ्रॉम फ्रांस। मिस्टर जोगलेकर फ्रॉम महाराष्ट्र। यस आई न्यू, बट आई स्पेंट मोस्ट ऑफ माय इयर्स इन अमेरिका। जय जय महाराष्ट्र माजा, गर्जा महाराष्ट्र माजा। वेरी नाइस, अवधूत गुप्ते। शाहिर साबड़े सर, व्हाट अ पावर हाउस ऑफ टैलेंट, है ना? अब जब महाराष्ट्र में रहना है तो इतना नॉलेज तो होना ही चाहिए ना। आप गुजरात से हैं मिस पटेल? पोरबंदर से। अरे गांधी जी की जन्मभूमि। वेजिटेरियन? ओनली ऑन फ्राइडेज। मी टू। अरे मिस्टर कपूर, खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे हम सब एक साथ। देख लीजिएगा, ये क्रूज एक दिन हम सब के लिए यादगार सफर साबित होगा। वी विल राइड हिस्ट्री टुगेदर। तुम पहले कभी क्रूज पे आई? जी नहीं, दिस इज माय फर्स्ट टाइम। आई डोंट नो व्हाट फन क्रूज कैन बी, जस्ट नीड टू कीप एन ओपन माइंड, दैट्स ऑल। अच्छा तुमने ये शैंपेन कॉकटेल ट्राई किया? नो। कम कम, लेट्स ट्राई, कम ऑन।
Excuse me? Ji? Oh, sorry, sorry, sorry. It's okay. Excuse me, please. आप धारावाहिकों में काम करती हैं ना? नहीं। तो जरूर हॉलिडे पे आई होंगी। मैं यहाँ अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ उनके काम के सिलसिले में। आपके हस्बैंड? अजीत तलवार। अरे वाह, बहुमुखी प्रतिभा के धनी मिस्टर तलवार आपके पति हैं मिसेज तलवार? नैना नाम है मेरा। लेकिन मैं तो भाभी जी कहूंगा नैना जी, सिंपल रहेगा। सिर्फ 6 घंटे की प्रोग्रामिंग चाहिए, बाकी सब रिपीट्स, दैट्स इट। 2 फिक्शन शोज, 1 hour each, इन्वेस्टमेंट 50 lakhs, 1 general Bollywood gossip show, 2 countdown shows, free of cost, money will come from endorsements, and 1 reality show, investment 10 crores, returns minimum 400%. 400% for just an idea. सारे टीवी चैनल्स ऐसे ही फ्लैगशिप आइडिया की तलाश में हैं, और वो आइडिया है हमारे पास। Ladies and gentlemen, that piece of cake is worth 40 crores. अरे भाई कपूर साहब, आप इस 40 करोड़ में से टैक्स निकालना तो भूल ही गए। क्यों? हमारे भारतीय आयकर विभाग के लिए? अगर आप सब लोग टैक्स नहीं देंगे तो हमारे देश की सड़कें, पुल, अस्पताल और हमारे जैसे टैक्स इंस्पेक्टर का वेतन कहाँ से आएगा? सर, एक मिनट। एक मिनट सर। सर, पता चल गया वो टैक्स इंस्पेक्टर कौन है? कौन है? सर वो, वो उधर, वो गोचू? हाँ सर, सर इमिग्रेशन फॉर्म पे उसने अपना प्रोफेशन इनकम टैक्स ऑफिसर लिखा है। और मैं तो कहता हूँ मिस्टर कपूर कि आपको कृषि दर्शन पार्ट 2 बनाना चाहिए। जी हाँ, ग्रामीण विकास के लिए इससे अच्छा शो हमारे देश में आज तक नहीं बनाया गया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द जूल ऑफ इंडिया। रियली? जूल ऑफ इंडिया मिस्टर भरत भूषण। ये कैसे इंसान है हमारे देश में जिनकी इंटेलिजेंस, विट, नॉलेज, प्रेजेंस ऑफ माइंड, इन सब गुणों का नजारा आप लोगों ने देखा ही होगा हमारे शो आओ गेस करें। मिस्टर भूषण ना सिर्फ गेस अच्छा करते हैं बल्कि एक शानदार गायक भी है। मिस्टर भरत भूषण, दो शब्द बोलिए। कौन? दो शब्द भाजी। कौन? देखिए, शुक्रगुजार तो मुझे आपका होना चाहिए जो आपने मुझे इतने बड़े बड़े CEOs, COOs, FFOs और न जाने कितने बड़े बड़े ओहदे वाले लोगों से मुझ जैसे अपरिचित, अनजान और मामूली व्यक्ति को परिचित करवाया। A toast for this great man. Please. माफ कीजिएगा, मैं बृहस्पतिवार को मदिरापान नहीं करता, लेकिन अगर आज शुक्रवार भी होता ना तो इतनी पूरी बोतल में I cannot hold my liquor, Mr. तलवार। आप पी नहीं सकते पर पिला तो सकते हैं ना मिस्टर भूषण, ऐसे भी क्या बात है? Of course. लीजिए अभी खोले देता हूँ। Come on, keep the claps going, come on. Mr. Bhushan, come on, Mr. Bhushan. Come on. Oh my gosh. Sir, are you okay? Excuse me. माफ कीजिएगा मैं। Ajit, are you alright? माफ कीजिएगा। Three cheers for Bharat Bhushan. Three cheers for Bharat Bhushan. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! अरे अरे एमटी तू, अरे अरे शेखर, अरे रुक यार, अरे शेखर मैं भूषण, रुक ना एमटी, रुक। माफ कीजिएगा, हाँ? अगर आप दरवाजा अंदर से बंद कर लें तो आपका वो क्या है?
रंजनी जी आप भूषण जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? Everybody is looking for you. Me? मैंने क्या किया? आपने ये किया कि आप हमें अकेले छोड़ के यहाँ चले आए. रंजनी जी आप मुझे बेकार शर्मिंदा कर रही हैं. मैं तो खैर छोड़िए. आपने अपना कमरा देखा? Yet to be seen, रंजनी जी. तो आपको दिखा देते हैं. चलिए. What do you mean, तुम्हें पता नहीं था ये बंदा कौन है? हेलो अजीत, 3 महीने से ऑडिशन चल रहा है यार. तेरी टैक्स रेट से पहले कॉन्टेस्ट जीत चुका था वो. That doesn't change the fact that he's a tax inspector, damage. Don't worry about it. मैंने उसका पूरा रूम बुक कर दिया है. एक एक सांस का हिसाब हमारे पास रिकॉर्डेड होगा. आइए. भूषण जी, ये है आपका कमरा. ये मेरा कमरा है जी. बहुत अच्छा है. और आपका कमरा? बिल्कुल साथ वाला. अच्छा. और अगर आपको कोई भी चीज की जरूरत हो तो उधर फोन है, आप उठा के सिर्फ 0. आप फोन उठाएंगी? जी मैं नहीं, ऑपरेटर उठाएंगी. अच्छा. और आपको बुलाना हो तो मुझे, मैं आपको अपना नंबर. ओहो नॉट अ बैड आइडिया. अरे मेरा तो सामान भी भेज दिया उन्होंने. वाह नेपाली जी वाह. सुहाना सफर आए मौसम. अरे रंजनी जी, अगर आप मेरे साथ गुनगुनाएंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. नहीं मैं. गाइए ना. हमें डर है हम खो ना जाए कहीं. रंजनी जी, हम आपको कभी खोने नहीं देंगे. I will always be there for you. That's a promise. Thank you so much, Bhushan ji. ये देखो भाई, एक और टाइटैनिक. कहीं हम पर डुबा ना दे. रजनी को सामान लेने दे. Don't worry about it. वो खुद भूषण की फैमिली की है. गनीमत है, हंसी उसकी ऐसी नहीं. You guys will never know what love is. अरे मैं तो भूल ही गया. मैंने कहा था ना मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूं. अब आपसे क्या छुपाना, आप तो अब अपनी हैं. आइए 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 ना. आपको पता है मेरे ब्रीफकेस का कोड क्या है जी? 16/6 है मंदा का बर्थडे. याद किया दिल ने कहां हो तुम, झूमती बहार है कहां हो तुम, प्यार से पुकार लो जहां हो तुम, प्यार से पुकार लो जहां हो तुम. Wow, what beautiful music by Shankar Jaikishan ji. And what wonderful violin by Shantanu da, your dadu. Thank you. आपको पता है मेरा ATM code क्या है? जी? 0105, 1st May. जिंदगी कैसी है पहली आए, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए. मन्ना डे साहब का जन्मदिन. अच्छा. और आपको पता है मेरा बैंक अकाउंट नंबर क्या है? नहीं. 3110, 31st October. बहुत खास अप्रोच लगाई थी मैंने इस नंबर के लिए. ये किसका हैप्पी बर्थडे है जी? ये हैप्पी बर्थडे नहीं है रंजनी जी. भारतीय संगीत जगत के लिए इससे अंधकारमय दिन ना तो आज तक कभी हुआ है और ना ही कभी होगा. परमंदा की डेथ एनिवर्सरी. ओ मेरे माँ जी, अब की बात ले चल पार, ले चल पार, मेरे साजन है उस पार. अरे मैं तो भूल ही गया. ये आपके लिए. ये क्या है? आप खुद ही खोलकर देख लीजिए. मैंने सोचा फूल तो मुरझा जाते हैं लेकिन फूलदान कभी नहीं. अब आपको फूल चाहे कोई भी दे, ये फूलदान हमेशा आपको मेरी याद दिलाता रहेगा. जरूर भूषण जी, आप फ्रेशन अप होके ऊपर आ जाइएगा.
हाँ जी। और थैंक यू सो मच भूषण जी। मेंशन नॉट रंजनी जी। ओके। ये क्या हो रहा है? क्या कपूर, इसमें छुपाने वाली बात क्या है? आई थिंक रंजनी शुड नो अबाउट भूषण। क्या कॉफी? Anybody for coffee? Strong. Extra strong. Ranjini, you? No, thanks. वो actually यहाँ पर अजीत की मीटिंग को सबोटाज करने आया है। We think he's a spy. Sir, that's impossible. Sir, वो बेचारा तो यहाँ सिर्फ अकेले हॉलिडे करने आया है। आप तो ये जानते हैं ना सर। मैं तब से कह रहा हूँ कपूर, कहाँ सबोटाज बबोटाज है। बेचारा हॉलिडे के लिए आया है और बेचारा कमरे में अकेले क्या कर रहा है? This is not fair, हाँ? इतनी बड़ी पार्टी है और ये बंदा अकेले। Please call him. 65432, right? Thank you. Please call him. There's a party upstairs. Please call him. Come on. Call him. Hello? Bhushan ji? Ranjini ji? आप कहाँ हैं? स्नान घर में, मतलब जहाँ आप छोड़ के गई थी, अपने कमरे में। मेरा मतलब ये नहीं था, मैं ये कहना चाहती। भूषण माई फ्रेंड, कहाँ हो यार? अरे सर आप, तुम्हारे बिना ये महफिल बड़ी मैयत सी लगती है। आ जाओ पार्टी में रंग जमाने। नहीं सर, वो क्या है कि मुझे शाम को सरसों का तेल लगा के नहाना जरूरी होता है और यहाँ के साबुन से वो निकल नहीं रहा है, इसीलिए उसी क्रिया को दोबारा करना पड़ रहा है। मैं बस तुरंत ही आता हूँ। आप जरा रंजनी जी को फोन देंगे, उनसे कुछ पूछना था। ऐसे भी क्या बात है भूषण जी, हमसे पूछ लीजिए। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ये पूछना चाहता था कि टाई पहनना जरूरी है क्या? नहीं नहीं यार, तुम ऐसे अच्छे लग रहे हो। हाँ, मतलब हम लोगों को पूछना चाहिए क्या आपके सामने टाई पहने या नहीं? कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? अच्छा बातें बंद होगी, अब तैयार हो जाओ। अब ये हाइड एंड सीक बंद करो यार, मतलब लुक्का छुपी। अभी आया। Yes, yes, Dubai. Uh-huh. Yes, sir. What's your name? Al Rashid. Yeah. Yes. Empty? Who? दोस्त है मेरा, शेखरन है ना तू? अबे साले शेख चिल्ली के तुम रुक जाओ वहीं। यार, बढ़ते ही कलम। यो, अय्यप्पा। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है बरखुरदार, अब तुम बचकर कहीं नहीं जा सकते। Who are you? अरे मेरी छोड़, who are you? MT Shekran. Mistake, I was and दुनिया में दो ही ऐसे लोग हैं जिन्हें तू कभी छल ना पाएगा शेखरन। एक तो तू है, दूसरा कौन है? दूसरा तेरा अय्यप्पा शेखरन के भूषण। Stop it! It took me 1 hour to get this right. और साले जो 3 घंटे से तेरे पीछे कुत्तों की तरह मैं दौड़ रहा हूँ उसका कुछ नहीं? और जो मैं अकेला उस टैक्स चोर के पीछे अरेस्ट करने के लिए पागल हो गया हूँ उसका क्या? You bloody cab singer! साले तू कितने कली की औलाद? कतकड़िया! You red fort का पिल्लू! साले तू चेचक के फोड़े! You Kebis, rabies. You साले, तू बाल तोड़ के खाया हो? कबूतर का पानी, लैटरिन का डब्बा, you आप तू? अपनिया। साले तू हगी क्यों नहीं देता अंदर जाके सीधे? I mean. और फिर लास्ट में अरेस्ट हो जाता है वो ना शेखर साहब। शेख शेख माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी वो मद्रास वाली प्रॉपर्टी का क्या हुआ? मद्रास नहीं, केरला। सेम थिंग शेख साहब, सेम थिंग। तू मुझे पकड़वाएगा? I'm going now. अरे सुन तो कहाँ जा रहा है, पता है इस बार तेरे भाई ने तेरे लिए भाभी ढूंढ ली है। वो जो हेमंदा के ऑर्केस्ट्रा में शांतनुदा थे ना, अरे वही जो वायलिन बजाते थे, वायलिन, उनकी पोती है। इस बार तो मैंने प्रेम पत्र भी लिख लिया मेरे भाई। मेरी प्यारी रंजनी जी। चुप है! Here I'm following the call of duty and you're following doll of beauty. Don't disturb me.
जलता है साला। अरे मिस्टर भूषण, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब यहाँ कोई और क्या कर सकता है मिस्टर जोगलेकर, वही जो आप करने जा रहे हैं। जॉली मैन जी, एंजॉय सर। यू नो मिस्टर भूषण, आपका गाना सुन के मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ गए। कैसे मैं स्कूल के असेंबली लाइन में खड़े होके सबसे ऊंचे सुर में गाता था, जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा, वाह वाह वाह। अजून एक ऐका, ओ जांबूल पिकल्या जाडा खाली, ढोल कुणाचा वाजाजी, हा हा हा, ढोल वाजाजी वाजाजी, ढोल वाजाजी, ढोल कुणाचा वाजाजी। होली आई, होली आई, देखो होली आई रे। प्लीज टू मीट यू मिस्टर भूषण, प्लीज टू मीट यू, सेम हियर मिस्टर। चलो पार्टी एंजॉय करते हैं, चलो। लेकिन आप बंजारे झल्ला रे रे, ओ बंजारे झल्ला रे रे, बंजारे झल्ला रे रे, दूध जा रे, दूध जा रे, दूध जा रे बंजारे। वहाँ पर ना इट्स अ बिग डील, फिश फिंगर्स है, मेयो नहीं है, नाइफ है, फोक्स नहीं है, सूप है, सूप बोल्स नहीं है। हो चुका है, कमरे में देखा सर? पता नहीं, भेजा मैंने किसी को। मेरे कमरे में देखा वहाँ तो कोई नहीं, वहाँ तो ताला है। 24 घंटे को मेरे नजरों के सामने आना चाहिए। ओके सर। मेरे साथ चलो, हम कटलरी ऑर्डर करते हैं। अरे मैं भी चलूं, मैं तो बस दिल चाहे जो फरमा रहे। प्रिय रंजनी के बिल भी गा रहे, यह पत्र भी दिल चाहे जो फरमा रहे, सुरताल के बिल भी गा रहे, सब तेरी और ही कान लगा। सर लाइफ गार्ड भेजें। अरे थोड़ी देर और मजा लेने दो, हमारे भी तो जान कब से अटकी पड़ी है। रंजनी, ओ माय गॉड, ऊपर लाइए, ऊपर आराम से, ध्यान रखिए। क्या यार, bring him here, bring him here, huh. Careful, careful, he needs attention pretty fast, take him tomorrow. All right, sambhal, slowly, slowly. Yaar Kapoor, haan, usse tairna nahi aata. Inhe idhar bistar par leta do, haan, aise, sar is taraf. He's all right, he'll come back to consciousness after some time. Let's go. How is he, David? He'll be fine. Sure? Yes. He's a very important guest. Yeah, yeah, yeah. Sir, वो अभी भी unconscious है. मैंने hospital फोन किया था. Sir, clinic 10वें माले पर है लेकिन. कट लेना है यार. Sir. सुन सुन. सच में बेहोश है? हाँ sir. वेरी कोल्ड ना, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा देता हूं। कैसे चटपटा रहा था, ऑलमोस्ट लाइक अ डॉल्फिन शो, रियली फनी। सो हाउ कैन यू टेक दिस सो लाइटली?
ये बेचारा मर जाता तो सब उधर खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे, हंस रहे थे। How can anyone be so insensitive? अरे ऐसे थोड़ी मरने देते भाई इनको, कोई ना कोई तो बचा ही लेता। वैसे भी हम लोग क्रूज पे क्या मजा करने तो आए, थोड़ी और मजा ले लेते। क्या 6 फीट के पूल में भला कोई डूब के मरता है? कम ऑन। इनफैक्ट इनसे ज्यादा तुम्हारी चिंता लगी थी मुझे। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। क्या ठीक हो? पूरी भीगी हुई हो, बीमार हो जाओगी। कम ऑन, गो ड्राई योरसेल्फ, चेंज इफ यू कैन, देयर्स अ नाइस बाथरूम ओवर देयर। मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतनी अच्छी स्विमर हो। थैंक्स। मुझे लगता था कि तुम सिर्फ जान लेना जानती हो। I'm not that kind of girl. Of course you're not that kind of a girl. I mean, but we are both above 18, aren't we? I'm leaving. अजीत, तेरी रंजनी बड़ी भैंजी निकली यार। थोड़ा वक्त दो, trust me. वैसे वो डॉल्फिन वाली बोट डॉक हो चुकी है। वो तो ठीक है, पर लेके कैसे जाएंगे सरकारी सांड को? उसका इंतजाम हो गया सर। तो आ जाओ कंधा देने। चलिए। हाय जेंटलमैन। हाय। Some instructions first. Dolphins are shy creatures, so please, no noise, no photos, no flash. Oh, I hope he's fine. Oh yes, he's fine. Just had a bit too much to drink. Couldn't leave him up there, you see. He's a very dear friend. So, Raviraj, अपने इन कोमल हाथों से मिस्टर भूषण को अपनी जगह पहुंचा दो। सर, मैंने कभी मर्डर नहीं किया। और मैं रोज करता हूँ मर्डर। अरे यार, लाइफ जैकेट पहना दो, वैसे मरेगा नहीं और आप मर्डर नहीं कहलाओगे। एक्चुअली गेस्ट तो ये कपूर साहब के हैं, इन्हें से कहिए ना। और कपूर, अजीत तेरा शिकार है, तू मार यार, डोंट मेक इट एम्बैरेसिंग फॉर मी। यार तुम लोग के आर्गुमेंट में ना जल जाएगा ये। चलो चलो चलो, कम ऑन, तुम लोग भी ना यार, लेट मी सॉल्व दिस फॉर यू नाउ। इनी मीनी माइनामो कैच द टाइगर बाय हिज टो, इफ इट हॉलर्स लेट हिम गो। इनी मीनी माइनामो Maina Mo. Sir, may I? You will do it. Sir, please, sir. It's an order. Sir. Sir, sir, वो यार नहीं है. अरे यार. ढूंढो sir, ढूंढो, ढूंढो sir. Captain, stop the boat.
कोई है? हेलो, मिस्टर भूषण दापा, गुड मॉर्निंग, हाउ डू यू डू मिस्टर तलवार? आपको मैं जगाने ही वाला था, लेकिन आप ऐसे मासूम बच्चे की तरह सो रहे थे कि मैंने आपको जगाना उचित नहीं समझा। हम लोग हैं? अरे मिस्टर तलवार, हम एक ऐसे टापू पे हैं जहाँ पे दूर दूर तक किसी जनजाति का चिन्ह नहीं है। ये तुम्हें कैसे पता? अरे जब आप सो रहे थे ना, तो मैं यहाँ के कुछ हिस्सों का मुआयना कराया। बाहर जाने का रास्ता मिला? मिस्टर तलवार, इतने सारे प्रश्नों का उत्तर तो इस प्रकृति के रचयिता के पास भी नहीं है। Help! हम तो पर नहीं। Help! कोई है? Help! आपको एक गुप्त बात बताऊं? हाँ। मुझे तो लगता है कि मुझे और आपको यहाँ लाने की किसी से बोल रहे यार, तुम्हें तो कहा कोई है नहीं। ठीक है मिस्टर तलवार, मैं तो ये कह रहा था कि मुझे लगता है कि मुझे और आपको यहाँ लाने की किसी की साजिश है। लगता है आपकी जान के पीछे कोई पड़ा हुआ है, इसीलिए आपको लगता है। बेचारे डर गए। मिस्टर तलवार, पता है मेरे पिताजी क्या कहते थे? वो कहते थे कि धनवान लोगों के जीवन में आराम तो है, लेकिन विश्राम नहीं। पैसा ही पैसे का दुश्मन बन जाता है, और वही दृश्य आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। वैसे मिस्टर तलवार, मैंने एक बहुत अच्छी जगह ढूंढी है नित्य क्रिया के लिए। खुद ही ढूंढ लूंगा यार। ठीक है, जब आएगी तो देखा जाएगा। मिस्टर तलवार, नया है? हाँ। वारंटी में है? हाँ। क्योंकि पानी में गिर के इसे भी तो जुकाम हो गया होगा। वाटर रेजिस्टेंट है। बिल्कुल मेरे एचएमटी क्वार्ट्ज की तरह। मेरे पिताजी ने 10वीं के बोर्ड में मुझे तोहफे में दी थी। इसके साथ मैंने न जाने कितने दुख सुख आशा निराशा पतझड़ सावन बिताए। आज तक ना इसे कुछ हुआ है और ना ही मुझे। बिल्कुल नया है। पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस में मौसम चार मौसम। Yes! चार। ठीक हो गया। ये देखिए क्या रेडियो चमकता है अंधेरे में। मिस्टर भूषण, मैं एक फोन करूं? बिल्कुल कर लीजिए। मैंने कौन सा आपका हाथ पकड़ के रखा हुआ है। थैंक यू। मिस्टर तलवार, इस टापू पे मछली पकड़ना आसान है, लेकिन नेटवर्क पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए मैं एमटीएनएल में पूरा विश्वास रखता हूँ। देखने में थोड़ा पुराने विचारों जैसा है, लेकिन उसकी सेवा देश में अभी भी सर्वोत्तम है। तुम्हारे पास फोन है? अजी, इस देश में किसके पास फोन नहीं है। तो निकालो यार। वो मैंने रोमिंग नहीं ले रखी है। वो क्या है ना सर, कि उनके 149 रुपए वाले प्लान में 51 रुपए तो रोमिंग चार्जेस लगा देते हैं, लेकिन 250 रुपए वाले प्लान में जिसमें रोमिंग फ्री है 40 रुपए टैक्स लगा देते हैं। अरे बकवास बंद करो यार। अरे मैं कहाँ चिल्ला रहा हूँ सर, चिल्ला तो आप रहे। मैंने तो कितने हौले से कहा था आपके कान में। वैसे कहते हैं ज्यादा चिल्लाने से आदमी बहरा हो जाता है, बहरा।
कितनी अजीब बात है ना मिस्टर तलवार, आदमी चिल्लाता तो गले से है लेकिन खराब कान हो जाते हैं। ना बोलते हो यार तुम, यूज़लेस, यूज़लेस। सर आई कैन बी एनीथिंग बट यूज़लेस। अच्छा तू जाना किस तरफ है? मेरे ख्याल से हमें इस तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, इस तरफ। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं मिस्टर तलवार? हमें इस किनारे को ही पगडंडी बनाकर चलना चाहिए। अरे वो क्या है कि मेरे पिताजी कहा करते थे कि यदि नाक की सीध में चलोगे तो मंजिल खुद ब खुद एक दिन तुम्हारे कदमों में। तुम्हारे पिताजी की कसम, तुम एक मिनट के लिए यही खड़े रहोगे और चुप रहोगे? तुम्हारे पिताजी की कसम। चलिए मिनट, टू मिनट, दो मिनट के लिए तुम यही खड़े रहोगे और यू मूव किल यू। भूषण, दलदल है, निकल निकल, मुझे निकल, तुम पुल मी आउट। भूषण, ए भूषण, ए क्या भूषण, भूषण दलदल है यार, कम ऑन खींच के निकालो मुझे बाहर। अरे वो कसम क्या तेल है यार, निकालो मुझे। अरे वो कब का गया वो कसम? अरे वो गया, वो गया। अरे भूषण हेल्प, भूषण पुल मी आउट, भूषण प्लीज, फॉर गॉड सेक पूजा। आप भी क्या मिस्टर तलवार, हद करते हैं। आप भी ना, इतनी छोटी बात के लिए इतनी बड़ी कसम देने की क्या जरूरत थी? अब इसे पकड़ी। अरे ये तो बहुत ही नन्ही। अच्छा बड़ी लेके आता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो यार? ए भूषण, देख मैं जा रहा हूँ। भूषण, देख मैं जा रहा हूँ। भूषण आ गया मिस्टर तलवार, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। पकड़ी 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 पकड़ी। हाँ 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 हाँ, पकड़ लिया। अजी अजी अजी, छुड़ी के बस, अजी अजी, बस बस, हो गया हो गया। बहुत अच्छे अजी, इसको कहते हैं बाल बाल बचना। अच्छा हुआ आपने पाँच मिनट नहीं कहा था, वरना अभी आप ऊपर मेरे पिताजी के साथ बैठ कर मेरी शिकायत कर रहे होते। मिस्टर तलवार, आपसे एक वचन लेना चाहूँगा। आपको आपके माता जी की कसम है, जो आइंदा आपने मुझे मेरे पिताजी की कसम दी तो तो लगता है पूरे धाराशाही हो गए। एक मिनट, हाँ पूरे गुरिला सोल्जर लग रहे थे आप। पिछले जन्म में आपने जरूर पुण्य का काम किया होगा, जो इस वीराने में भी आपको मेरे जैसा साथी मिला। अरे ये कुदरती शहद है गले की तरावट के लिए। कहाँ जाया तुम्हारे पास? अरे मिस्टर तलवार, जरूरत की सारी चीजें मेरे आस पास रहती हैं, जैसे कि ये। मुझको हल्दी का उबटन लगाए सखिया, मेरी काया को कंचन बनाए सखिया, आज चंदन सी। No, thank you. अरे आप बिना लगाए ना कैसे कह सकते हैं मिस्टर तलवार? आपको पता है ये 100% आयुर्वेदिक है और इसमें हल्दी और चंदन के अलावा न जाने कितनी अन्य जड़ी बूटियां युक्त हैं। इससे आपकी त्वचा नर्म और मुलायम रहेगी। इसकी स्मेल मुझे पसंद नहीं है यार, प्लीज। Just trying to help. You want help? तुम्हारे रेट पे लिख दो help. कम से कम आते आते हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज देखेंगे और हमें बचा लेंगे। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है मिस्टर तलवार? अरे आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, दुनिया आपके कदम चूमती है। आप यहाँ चुपचाप बैठिए और वहाँ पे जो करना है मैं करता हूँ। बताइए क्या करना है? अभी तो मैंने कहा ना यार, वहाँ पे हेल्प लिख दो। ऑफ कोर्स, मैं जाता हूँ, अभी दिखाता हूँ कमाल। Thank you.
तलवार डन हो गया। मिस्टर तलवार, अगर आपकी कंपनी का लोगो होता तो आप 20 लोगों को बुलाते, मीटिंग बिठाते, फिर डिसाइड करते। इतनी मेहनत और प्यार से बनाया मैंने, एक बार आके देख तो लीजिए। मिस्टर तलवार, अच्छा मिस्टर तलवार, आपको क्या लगता है इसे देखकर ऊपर से कोई हमारी मदद करने नीचे आ जाएगा? You never give up, dude. मिस्टर तलवार, ये भी कोई गिवअप करने की चीज है? अरे गिवअप ही करना है तो सिगरेट को गिवअप करो, शराब को गिवअप करो, अपने अंदर की कुंठित भावना को। अच्छा ठीक है, कहाँ लिखा है? अरे वाह, ये क्या लिखा है? अकेले है चले आओ कहाँ हो, बगल में ऐसा दिल नहीं बना एक तीर चीरता हुआ? हिंदी में क्यों लिखा है? वो इसलिए मिस्टर तलवार कि मुझे अंग्रेजी में ना कोई अकेलेपन का गाना नहीं आता। तो अंग्रेजी में गाना किसने लिखने को कहा था यार? मैंने कहा था HELP, हेल्प लिखने को कहा था। छोटी सी बात का तुमने इतना बड़ा इश्यू बना दिया यार। गया क्या? मिट गया आपका वाला हेल्प? देखा, इसीलिए कहता था मैं पुराने नगमे अमर होते हैं मिस्टर तलवार, अमर, कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। देखिए आपका वाला हेल्प कितनी आसानी से मिट गया और मेरा वाला हेल्प अभी तक अड़ी गया। I don't know. मैं तो मिस्टर भूषण को मिस्टर अजीत तलवार के कमरे में छोड़ के आ गई। उस रूम में ना तो भूषण था ना मिस्टर अजीत तलवार। I smell a conspiracy. उसको स्विमिंग पूल से निकालने के लिए लाइफ गार्ड्स क्यों नहीं आए थे? Exactly. ये क्रूज तो आपकी जिम्मेदारी है ना? और उसके रूम में कैमरास भी थे भाई। ये तो मुझे नहीं पता, मैं बस ये जानती हूँ कि मिस्टर भूषण हमारे शो आओ गेस करे की विनर है और उन्हें ये क्रूज प्राइज में मिला था। Can't you arrange for an emergency chopper? Captain, you have to do something. I'm sure there's a way. I'm sorry, at this stage of the cruise, I'm not able to do anything. I don't want to ruin the cruise for the rest of the guests. What do you mean? I can understand, Mrs. Talwar, that you're worried about your husband. Well, I'm not Mrs. Talwar. Mr. Kapoor, aap inhe samjhaiye na. Port authorities ko inform kare, chopper services ko contact kare, police, navy, army, sir. Hello, please. Hello, Tango Charlie, come in. Yes, sir. I'm on the tip of the iceberg now. Ajit Talwar boat se utar gaya hai. He has planned his disappearance. लेकिन आई नो ही इज विद इन 30 नॉटिकल माइल्स साउथ ईस्ट समवेयर हियर सर। मैं उसको पकड़ूंगा सर, और उसने भूषण को किडनैप भी किया है। आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। मिस्टर तलवार, मिस्टर तलवार, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। आई डोंट नीड योर आइडियाज मिस्टर भूषण, बट दिस इज अ वेरी गुड आइडिया सर। आई आल्सो हैव मेनी आइडियाज। अरे अगर आप मेरा आइडिया सुनेंगे तो मैं भी आपका आइडिया सुनूंगा। आई प्रॉमिस। डोंट नीड योर आइडियाज मिस्टर भूषण। गेट लॉस्ट यार। हम पहले ही कितना लॉस्ट हो चुके हैं मिस्टर तलवार, अब और कितना लॉस्ट कराना चाहेंगे आप? प्लीज पीछे पीछे ना बंद करेंगे, पूछ की तरह इनफ। मिस्टर तलवार, अगर कोई लाल रंग का कपड़ा हम लकड़ी में बांध के किसी टीले पे लटका देंगे तो आते जाते कोई जहाज या हेलीकॉप्टर उसे हमारा सिग्नल समझ सकता है, और लाल रंग खतरे का सूचक होता है मिस्टर तलवार। मिस्टर भूषण, आपने कोई लाल रंग का कपड़ा पहना है? नहीं। मैंने पहना है? नहीं। तो स्टॉप गिविंग मी यूजलेस आइडियाज। देखिए मैंने तो नहीं पहना है, लेकिन आपने जरूर पहना है। आपका अंगवस्त्रम यानी कि अंडरवेयर, व्हाट? मैंने देखा है जब आप झुके हुए थे, लाल रंग का है। Are you out of your mind? Mr. Talwar, कहाँ तो मैं हमारे बचने की तरकीब निकाल रहा हूँ और आप ख्वामख्वाह सेंसिटिव हुए जा रहे हैं। You don't follow me, okay? Okay. टांगेंगे कहाँ मेरे अंडरवेयर को?
अरे मिस्टर तलवार, अंडरवेयर आपके लिए होगा, मेरे लिए तो जीवन रक्षक कवच है कवच। हाँ हाँ ठीक है, आ जाओ अभी आया। Are you ready, sir? हाँ, पर ये जीवन रक्षक वड़वर उतारूंगा कहाँ? वही जहाँ कोई आता जाता नहीं। अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं। हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का जी, मोरा लाल दुपट्टा। मिस्टर भूषण, प्लीज डोंट सिंग दिस सॉन्ग। ये लाल रंग, मिस्टर भूषण प्लीज डोंट सिंग। थैंक यू। हेलो कैच। ये हुई ना बात मिस्टर तलवार, मिल गई हमारी विजय पताका, अब देखिएगा हमारी जीत सुनिश्चित है। But I want that before evening. अरे मिस्टर तलवार, इवनिंग के बिफोर तो हम दोनों जहाज पे होंगे, देखिएगा अब मैं क्या करता हूँ। जय सौरभ गंगुले। भूषण, भूषण आया 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 आया। मेरी पैंट कहाँ? मजाक की हद होती है मिस्टर भूषण, शर्माने चाहिए तुम्हें। अरे ये कमाल है, पैंट उतार के मेरे नाम की कराहे मारे आप, और शर्म मुझे आनी चाहिए? अच्छा मेरी पैंट कहाँ है मिस्टर भूषण? अरे आप तो ऐसे भड़क रहे हैं जैसे आपकी पैंट मैं पहन के घूम रहा हूँ। मैं तुमको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पैंट इज मिसिंग। कहाँ उतारी थी ये? अरे जब ये उतारी थी तो यही होनी चाहिए ना मिस्टर तलवार, क्या हो जाएगा, आपकी पैंट जमीन खा जाएगी या आसमान? लंगूर के बच्चे, नहीं पैंट वापस कर, इसको फेंक के मारो, फेंक के मारो इसको। क्या आइडिया मिस्टर तलवार, आइडिया। एक और आइडिया देना मिस्टर भूषण, मैं तुमको। मिस्टर तलवार, आप डांट के मुझे चुप करा सकते, इसे नहीं। अरे बचपन में वो कहानी नहीं पढ़ी आपने, नकलची बंदरों वाली? बंदरों वाली कहानी मैं क्यों पढ़ूंगा यार, छोड़ ना यार। ठीक है छोड़ देता हूँ। अच्छा क्या क्या कहानी क्या? अरे बंदरों की प्रवृत्ति नकल करने की होती है, आप जो भी करेंगे बंदर उसकी नकल करता है। आपने देखा, आपने पत्थर से उसे मारा, उसने भी कुछ फेंक के मारा, मैंने उसे ये किया, उसने भी मुझे ये किया। मिस्टर भूषण यू आर रियली स्मार्ट। थैंक यू। आपको तो वहां होना चाहिए बंदरों के साथ। अब देखिए मेरा कमाल। ये मत करो यार प्लीज। मिस्टर तलवार आप प्लीज अपनी आंखें बंद कर लीजिए, आज तक इंदुमती के अलावा मुझे इस अवस्था में किसी ने नहीं देखा है, और ये सब मैं आपके लिए कर रहा हूं। रेडी? We did it! Yeah! Yes! Chale. Taram param 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 pam pam. परम 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 पम पम। आइए मिस्टर तलवार, हमारी विजय पताका। क्या किस्मत लेके आई है मिस्टर तलवार ये विजय पताका, देखिए क्या मिला हमें, नारियल। मिस्टर भूषण इसको क्या मैं नाखून से छीलूं? मिस्टर तलवार जहां चाह वहां राह, कहने का मतलब है कि जहां पे नारियल
वहां पे चाकू दीजिए। अब देखिएगा, चंद ही घंटों में हमारी सारी मुसीबत हल हो जाएगी और सारी परेशानियां दूर। आपको देख के कहीं से लगता नहीं कि आप परेशान हैं या मुसीबत में? इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि आप पूरी तैयारी में आए हैं इस टापू में बसने की। ये तैयारी तो मैं रोज घर से करके निकलता हूँ मिस्टर तलवार, क्या पता वक्त का कब कहाँ क्या हो जाए। ये लीजिए। नहीं, पहले तुम ट्राई करो, अच्छा हो तो फिर मैं। मानना पड़ेगा मिस्टर तलवार, बहुत स्मार्ट हैं आप। स्मार्ट बनना पड़ता है मिस्टर भूषण, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने मिस्टर तलवार, मेरे पिताजी भी यही कहते थे, इसीलिए खुद को स्मार्ट बनाने के लिए मैंने किताबें पढ़नी शुरू कर दी। किताबें पढ़ने से कोई स्मार्ट बनता है क्या? अरे आपको नहीं पता, यू कैन विन बाय शिव खेड़ा मेरी फेवरेट किताब है, उसी को पढ़ के तो मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। अच्छा, यहाँ तक? अब मेरे कहने का मतलब है कि क्रूज तक, यहाँ तो आपकी वजह से पहुँचा हूँ। नहीं मिस्टर तलवार, वो पश्चिम का रास्ता बहुत लंबा है, मुझे शॉर्टकट पता है। भाई पश्चिम नहीं, मैं यहीं से आ रहा हूं। तो ठीक है, देखते हैं वहां जल्दी कौन पहुंचता है। रेडी रेडी गो। बोलो तो सही, अदरवाइज मुझे कैसे पता चलेगा? Where are you? I am right here. Oh no no no! No no, come on! There are wild animals inside. Come on! अरे तो कहाँ चली गई थी? There are wild animals. You're the wild animal. Oh baby. Oh, no. यहाँ क्या कर रहा है? अरे मुझे तो हालात खींचला है, बाद में बताऊंगा, लेकिन आप बताइए आप कब यहाँ आए पिकनिक मनाने? अरे मैं तो बिजनेस के सिलसिले में। अरे चाची भी आए हैं। चाची, अरे कोई चाची बाची नहीं है। अरे हेलो भूषण। वीरू चाचा, ये तो चाची नहीं है। जल्दी लो पेनोसे, इमरजेंसी। Who's he? He is Indian. Let's go, hurry up. तो ये है आपके लिपस्टिक और बिंदी की खरीदारी? अब समझ में आया कैसी चौकटे घिसते हैं आप बाहर जाके खरीदारी के नाम पे। देखिए भूषण, मेरी बात को समझने की कोशिश कर, बेचारी गरीब लाचार लड़की है, मैं तो उसकी मदद करने के लिए उसको यहाँ पे ले आया। गरीब, इस गरीब नंगी की कैसी समाज सेवा कर रहे हैं आप, देख रहा है मुझे? एक विदेशी महिला के प्रलोभन में आके आपने मेरी स्वदेशी चाची के गृह जीवन का उल्लंघन किया है चाचा जी। नॉट डन चाचा जी, नॉट डन। सॉरी मैडम, किसी का घर तबाह करके आप भी शांति का जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगी। दूसरी औरत का दर्द समझिए विदेशी मैडम, मेरी चाची ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, उनके छोटे छोटे बच्चों का तो ख्याल कीजिए। ईश्वर एक दिन जरूर सजा देगा आपको। क्या क्या हुआ? अजी होना क्या था, पकड़े गए तो मुंह छुपा के भाग लिए। तुमने मदद नहीं मांगी लोगों से? अरे जो इंसान खुद की सहायता नहीं कर सकता वो हमारी मदद क्या करेगा मिस्टर तलवार? You mean you didn't tell them that we are stuck on this bloody island? वो क्या है कि बात वहां तक पहुंची नहीं इसलिए कह नहीं पाए। मिस्टर भूषण, इतनी मुश्किल से एक आदमी यहां तक आया था, जाने दिया यार। अरे वो आदमी नहीं है, वो हमारे वीरू चाचा है कॉलोनी के, एक गोरी महिला को लेके आए थे यहाँ रंगरलियां मनाने। अरे जो आदमी अपनी पत्नी को बीच मझधार में छोड़ दे डूबने के लिए, वो हमारी नैया क्या पार लगाएगा? और ऐसे आदमी की मदद से तो अच्छा है कि हम शर्म से डूब मरे। तुम अपनी बात करो, तुम भी डूब के मर रहे हो, डूब के मरो, मुझे नहीं मर रहा समझे?
अरे आप तो ऐसे भड़क रहे हैं जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं है। रफी साहब का इतना बेहतरीन नगमा किसने लिखा? मैंने। आपके अंडरवियर को विजय पता का किसने बनाया? मैंने। अब अकेला नन्नी जान और क्या क्या करेगा? तुमको किसने कहा था वहां जाके मोरल साइंस का लेक्चर देने को? मुझे शाम तक शिप पे पहुंचना है, डू यू अंडरस्टैंड? शाम? शाम तो हो चुकी है मिस्टर तलवार। गाना गाना बंद करोगे प्लीज? अरे नहीं, हमें पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, तो अच्छा है गाते गाते वक्त भी कट जाएगा ना। तो एक काम करो, मन में गाओ। मिस्टर तलवार, अगर मैं मन में गाऊंगा तो आप कैसे सुनेंगे? That's exactly the point, Bhushan. मिस्टर तलवार, मैं सोच रहा था कि आप भी तो अपने मन में कोई गाना गुनगुनाते होंगे, अंग्रेजी वाला। जब हम स्कूल में थे ना तो हम अंग्रेजी गाने बनाते थे, हिंदी गानों का अंग्रेजी अनुवाद करके, जैसे कि वो गाना था ना, सुनाओ। ठीक है, सुनाओ। जैसे वो गाना था ना, दर्द दे जिगर दिल में जगाया आपने। वाह, क्या अंग्रेजी है। पेन इन हार्ट, पेन इन लिवर, वो कैन इन हार्ट बाय यू ओनली। अर्लियर आई वाज अ पोएट, लवर मेड बाय यू ओनली। अभी तो आपने कहा सुनाओ, अभी म्यूजिक। It was a mistake. Sorry, I am. देखिए, हम कोई जंगली घुसपैठिए या चोर डकैत नहीं है। यहाँ तो सिर्फ मैं हूँ और यह मिलिए मिस्टर अजीत तलवार। हेलो। Which channel? अजीत देखिए, अब इंग्लिश चैनल तो होगा नहीं, यहाँ तो हिंद महासागर से ही आएंगे ना। नेशनल ज्योग्राफिक, एनिमल प्लैनेट,
डिस्कवरी असेंडेंट चैनल। नो 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 नो, यू मिसअंडरस्टूड अस। एक्चुअली हम लोग शिप पे थे, शिप से पानी में गिर गए और यहाँ के फंस गए। हमने यहाँ लाइट देखा तो चले आए यहाँ पे। इनफैक्ट यू कम फॉर द क्रूज, यू नो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक यू इनवाइट। अच्छा, मुझे लगा तैराकी वाले चैनल की बात कर रहे हैं। टीवी चैनल वाले नहीं हो? आई हेट टीवी चैनल वाला। आ जाते अपना कैमरा, अपना ट्रांसमीटर, अपना लाइट्स लेके और मासूम जानवर को परेशान करते हैं हमेशा। अजीत, चैनल कहाँ, हमने तो कितने दिनों से कोई टीवी भी नहीं देखा है। वो तो आपके रेडियो की मधुर आवाज हमें दूर से खींच के लेके आई। बहुत दूर तक जाती है इसकी आवाज। आपके यहाँ विविध भारती आता है? I know that. I hate people fiddling with my things. You should not be fiddling with other people's things, yeah. Sorry. Is it a gift by any chance? I thought as much. It's a very precious gift. A very precious gift. हमारे दादू दादा को उनके ब्याह के टाइम डाउरी में मिला ससुराल से, और हमारे दादू दादा ने दादू को दिया रिवॉर्ड फॉर जॉइनिंग द इंडियन आर्मी। वॉर फ्रंट में हमारे दादू को बम का गोला ने तो खत्म कर दिया, लेकिन इस रेडियो का एक बाल भी बाका नहीं हुआ। फिर बिल में ये ममता को मिला, हमारे माँ की ममता, उनका अकेलापन दूर करने के लिए। और फिर उन माँ ने हमको दे दिया, हमारा लोनलीनेस फील करने के लिए, हमारा लोनलीनेस फील करने के लिए। वेरी टचिंग स्टोरी। आपके दादाजी की कहानी सुन के तो मुझे अपने दादाजी की याद आ गई। उन्होंने भी अपने विल में मुझे ये कोट दिया था। बट योर स्टोरी इज टचिंग, सेंसिटिव, यू नो, सो मूविंग। रोंगटे खड़े हो गए मेरे, मतलब कोट है तो दिख नहीं रहा, लेकिन मेरे भी अच्छा लगा। बहुत बहुत अच्छा लगा। फैंटास्टिक, वेरी गुड। नाउ गेट आउट। गेट आउट। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? अरे उनको क्या बोलूं, गेट आउट। देखिए, मुसीबत में एक इंसान ही तो एक इंसान के काम आता है ना। क्या बोला? इंसान, इंसान, ह्यूमन बीइंग। रघु बर्मन है ह्यूमन बीइंग। ये रघु बर्मन कौन है? क्या दिया, क्या दिया है ह्यूमन बीइंग द मैन को, एक्सेप्ट डाउट, डिसमे, डिफीट, डिसीट, डिप्रेशन, डिजास्टर, नो होप, होपलेस। सर, वी आर जस्ट होपिंग दैट इन केस वी कैन, मतलब इट्स जस्ट अ होप है। शट अप, देयर इज नो होप। शट अप। देखिए, मेरे को भूख लगा है, मेरा डिनर टाइम है और लोडेड है। एक गिलास पानी मिलेगा। अरे गोली खाएगा क्या? आउट आउट ब्रीफ कैटल आउट। हेलो, गुड इवनिंग सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम लेंस मैन फोटोग्राफी सर, वी वांट टू हायर। लिसन लिसन लिसन, दिस इज नॉट ए माचेर बाजार, गिव द फोन डाउन, थ्रो द बाचा। Hey! 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 Get out! Get out! Get out! ये तो आपसे भी ज्यादा गुस्सेल निकले। मैं गुस्सेल हूँ? गुस्सेल हूँ मैं? ये तो थोड़ा मुंह बंद नहीं रख सकते हो? बस हाथ पर का कंट्रोल भी छोड़ दे तुमने। क्या जरूरत थी वाजाई का रॉकेट छोड़ने की? अजी, ऐसा रॉकेट तो मैंने जीवन में कभी देखा भी नहीं था। हमारे जमाने के रॉकेट में बात ही होती थी और मंगन चाचा की दुकान से वो बोतल लेके। प्लीज रॉकेट साइंस तो मत सुनाओ यार, प्लीज। देखा कैसे छोटी सी बात पे गुस्सा आ गया। अब क्या करेंगे हैं? दूर दूर तक आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही है। जाएंगे वापस बर्मन के घर। काहे का बर्मन? एक हमारे बर्मनदा थे पूरे माझी, और एक ये बर्मनदा है गली खाबे। क्या करेंगे जाके वहां? जाके उसका फोन उठा के लेके आएंगे। मतलब चोरी करेंगे? देखिए मिस्टर तलवार, मैं इस चोरी चकारी में आपका साथ नहीं देने वाला। अरे, मैंने आज तक किसी की धुन नहीं चुराई है। फोन तो दूर की बात है। You want to spend your entire life in these woods? Actually, I don't mind, sir. Really. आखिर शहरी जीवन ने हमें दिया ही क्या है? हिंसा, हताशा, हानि, हैरानी, हतोत्साह, हैवानियत। तुमको ये जंगल मुफरा तो मैं जा रहा हूं। लेकिन फोन चुराएंगे कैसे? नीचे बैठो यार। अगर उसने गोली मार दी तो अंदर कुछ नहीं, मैंने उसका टाइम टेबल पढ़ लिया था।
मैं अपने जूते हाथ में ऐसे पहन लेता था, आप भी लगा लीजिए। तुम जो करना ना करो, लेकिन बात मत करो। He's meditating, okay? हाँ, उनकी तपस्या भंग हो जाएगी। यार जान पे पड़ी है, तुझे तपस्या क्यों पड़ी यार? उनकी तपस्या भंग होगी तो पाप तो हम दोनों को ही लगेगा ना। बचेंगे तब तो पाप लगेगा ना। चलो क्या बिगाड़ा था यार, बड़ी की फॉली थी इसमें भी। ए डन चुप, ए की फॉन तलवार यार, तलवार सर, चाकू कटार व्हाटएवर यू आर, चुप एकदम चुप। मैंने तो पहले ही कहा था ये फोन चुराने का आइडिया ठीक नहीं है। अपन फोन तुम्हार पास, अपन फोन मिस्टर बर्मन, एक्चुअली वी जस्ट वांट टू मेक अ स्मॉल फोन कॉल, यू नो, इफ यू डोंट माइंड कैन आई जस्ट डाई। अरे मैं लेट कॉल ला, चुप कर, फोन रख, फोन रख, और तुम बांधो उसको। हां बांधो उसको, आई बोल रहा यार बर्मनदा, मेरी गलती की सजा आप मिस्टर तलवार को क्यों दे रहे हैं? तुम एकदम चुप करो, मेरा रेडियो तोड़ दिया यार, मेरा रेडियो तोड़ दिया। रेडियो? ये मोहल्ले में जब किसी का भी रेडियो खराब होता था ना, तो सब दौड़े दौड़े मेरे ही पास आते थे, रेडियो ठीक कर दो, रेडियो ठीक कर दो, और मैं झट से उनका रेडियो ठीक कर देता था। लेकिन ये वाला नहीं बर्मनदा, इसके अलावा और कोई काम हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। रेडियो बन सकता है? रेडियो गाना गा सकता है? Hey, you radio, बांधो इसको, बांधो। अभी किधर भागेगा? इसका बम का नहीं, चलो बम है। We can talk this out, Mr. Bhavan. Let's go! पट्टी लगाओ, पट्टी लगाओ। समझाओ यार। अरे लगाओ। अब मिस्टर तलवार में क्या कर सकता हूँ? पट्टी लगाओ, ठीक से। अरे मैं कोई चोर चका थोड़ी ना। I know. ठीक से लगाओ। Very good. अभी आओ इधर। आओ। गाना सुनो। दिल देख देखो, दिल देख देखो, दिल देख देखो जी। गाना चेंज, दूसरा गाओ। खिलौना तुम तो तोड़ जाओ। तोड़ फोड़ नहीं, एक अच्छा मधुर गा, एक मीठा मीठा गा। मान के तो देखो कभी की, यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुमसा नहीं देखा। टमटम का गीत, ओ तुमसा नहीं देखा। उफ ये नजर, उफ ये अदा, उफ ये नजर, उफ ये अदा,
कौन न अब होगा फिदा, रास्ते खामोश हैं, धड़कने मदहोश हैं, पिए बिन आज हमें चढ़ा है नशा। सारे गा मा, मा सारे गा, गा सारे मा, मा गा रे सा, सारे गा मा, मा सारे गा, गा सारे मा, मा गा रे सा, प ध प म म प म ग रे प म ग म ग रे सा, सारे गा मा, वन टू थ्री फोर, सारे गा मा, मा सारे गा, गा सारे मा, मा गा रे सा, मा गा रे सा, मा गा रे सा, मा गा रे सा। फिर चमका एक और सितारा संगीत की दुनिया में, सोनिक ओमी, जो फनकार उतने ज्यादा लोकप्रिय तो नहीं हुए, लेकिन उनका एक गाना सफलता की पायदान चढ़ता गया, चढ़ता गया। क्या आप इस गाने को पहचानते हैं? तूने मुझसे किया था कभी वादा, मेरी तान पे तू दौड़ी चली आएगी, ऐसा बंधन है प्यार का ये बंधन, इसे तोड़ के तू कैसे चली जाएगी, क्या यही है वफा, मुझे ये तो बता, मेरी महुआ ओ तेरे वादे क्या हुए, क्या यही है वफा, मुझे ये तो बता, मेरी महुआ हो। महुआ, महुआ, अभी तुम्हाके भीषण मिस करी, तुम्हें कोथा चल गया छो महुआ, तुम्हें कोथा चल गया छो, सपनो अमर हारिए गेछे, सब किचु भेंगे गेछे, अभी पागल हो गेछे, पागल, पागल। लगता है मैंने गलत सुर छेड़ दिया। नहीं, बहुत अच्छा सुर छेड़ा। क्या यही है वफा, मेरी बहुआ हो। आप अपनी महुआ से बात क्यों नहीं कर रहे? आपकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही, उठाइए फोन और कह दीजिए उनसे अपने दिल की बात। ऐसे घुट घुट के जीने का कोई फायदा नहीं, मैं कर रहा था बात, बोलिए नंबर। 4127 एरिया कोड। ये नंबर फिलहाल व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। मिस्टर वरुण व्हाट्स माय नेम? कृपान तलवार, व्हाट? अजीत तलवार, अजीत तलवार। ओ अजीत तलवार, इट्स तलवार, अजीत तलवार, सेज विद रिस्पेक्ट। ओ अजीत तलवार। हे भूषण, फोन दे। हे चिंतन, चिंतन भूषण, फोन दे यार। चिंतन। लेकिन मिस्टर तलवार, ये तो सरासर बेईमानी है। यहाँ परमंदा अपनी महुआ की याद में बेहाल हुए जा रहे हैं और आप उनकी बेहाली और बढ़ा रहे हैं। मिस्टर भूषण, हैव यू गॉन मैड? यू हैव टू कॉल समबडी, गेट आउट ऑफ हियर, कम ऑन। वी हैव टू कॉल महुआ फास्ट मिस्टर तलवार। बात बिछड़े हुए दो दिलों की है, जिसे इस जालिम समाज ने एक नहीं होने दिया। परमंदा नंबर दो। यू लिसन भूषण, तुमको यार रुकना है अपना डुएट सिंगर के साथ। रुको, मैं जा रहा हूँ। अरे शेखरे रास्कल, ये कौन है? ये क्या किया तूने यार? मिस्टर तलवार, मिस्टर तलवार, आप ठीक तो हैं? इधर इधर दो लड़के बैठ के आप चोट तो नहीं लगी? हाँ, ये तो ही लगी है यार। इनफ ऑफ योर ड्रामेटिक्स। शेखरन, क्या कर रहा है यार तू? भूषण, डोंट कम इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। लाइन ऑफ ड्यूटी की औलाद, तू पहले ये बता तू यहाँ आया कैसे? डोंट आस्क मी सिली क्वेश्चंस। जब टैक्स फ्रॉड इधर है, मैं क्या टिम्बकटू जाएगा? 365 एम्प्लॉइज, 3 साल तक टीडीएस नहीं बढ़ा, 4 खोका कंपनीज मुंबई में, 6 फिक्टिशियस कंपनीज मॉरिशस में, मिस्टर अजीत तलवार उर्फ विकास मल्होत्रा उर्फ राहुल वोरा उर्फ मूलचंद शर्मा, फादर्स नेम कन्हैयालाल शर्मा। अरे शेखरन मेरे दोस्त, मुझे लगता है तुझे भारी गलत फहमी हो गई है। अरे ये मिस्टर तलवार है, अजीत तलवार, बहुमुखी बहुमुखी प्रतिभा के धनी,
कई बड़ी कंपनियों के मालिक, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें इन्होंने अपना हाथ नहीं डाला हो। वो तो मीडिया ने इनकी छवि खराब कर रखी है। सुन लिया आपने? You're mistaken. Where there is second, there is no mistaken. Yes. Listen, I... Sit out, Jindar, you human being! Who is this fellow? अरे ये तो रघु बर्मन है, हमारे बर्मनदा, बहुत ही मशहूर फोटोग्राफर हैं। मशहूर तो एमटी शेखरन के लिए सिर्फ दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो टाइम से पहले टैक्स भरता है, दूसरा जो कभी टैक्स नहीं भरता है। तुम किन में से हो? हम एडवांस में टैक्स भरता है। नाइस टू मीट यू मिस्टर बर्मन। बर्मनदा, ये हमारे डिपार्टमेंट का सबसे ऑनेस्ट ऑफिसर है, सूम के बता देता है कि किसी ने टीडीएस भरा है कि नहीं। ही इज क्लियर। देखा मिस्टर अजीत तलवार, You are in my custody now. ये क्या custody ला रखे हो यार? प्रूफ है क्या तुम्हारे पास? वारंट है क्या? वारंट मिस्टर बर्मन, 12 साल से इनकम टैक्स का ड्यूटी कर रहा हूँ। अरे 13 साल, 11 साल से तो मैं तेरे साथ हूँ। इस हिसाब से तो मैं तेरा सीनियर हुआ। प्लीज हैंड दिस ओवर टू मिस्टर तलवार, लेट हिम रीड द डॉक्यूमेंट केयरफुली। बाहर मेरा बोट खड़ी है, एक घंटे में हम लोग वापस शहर में होंगे। एंड मिस्टर अजीत तलवार, तुम जेल में होंगे। अरे यार शेखरन, ये तो पहले से ही कितने परेशान हैं। इन्हें क्रूज पे कोई मारना चाहता था, इन्हें वहां से धक्का दे दिया, और जब मैं इन्हें बचाने गया तो मुझे भी धक्का दे दिया, तभी तो हम यहाँ पहुंचे हैं। टुच्चे से कागज के लिए तुमने इतना लंबा सफर तय किया? ऐसे 2 रुपए के कागज हमारे ऑफिस में रोज बनते हैं और रोज फटते हैं। इसी को एक बोर्ड बनाओ, निकलो यहां से। इसके लिए तुमने ये सब किया? अच्छा, इसके लिए नहीं, ये सब मैंने अपने दोस्त भूषण के लिए किया। भूषण, तू गिरा अपनी बेवकूफी की वजह से, और ये अपनी बदकिस्मती की वजह से। इनका प्लान फेल हो गया और मेरा प्लान पास। सारे वक्त क्रूज पे तुझे टैक्स इंस्पेक्टर समझ के मारने की कोशिश करता रहा, और वो लड़की जिसे तू मेरी भाभी बनाने के सपने देख रहा था, उस बेचारे का भी इस्तेमाल किया। और जब तू स्विमिंग पूल में गिरा, इन्हें पता चल गया कि तुझे तैरना नहीं आता, तब उन्होंने तुझे समंदर में फेंकने का प्लान बनाया। लेकिन मिस्टर अजीत तलवार, जब वो मारता है ना तो आवाज नहीं होती। यार शेखरन, मेरे पिताजी कहते थे, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। माफ करना यार। माफ किया। दोस्ती का इतना अच्छा एग्जाम्पल हमने आज तक लाइफ में नहीं देखा। फोटो बनता है। हाँ, we must capture this, we must capture this। अच्छा अच्छा शेखर, अरे बंदूक तो नीचे रख। मैं कहता हूँ कि just a minute gentlemen। Hey 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 हाँ मिल गई। अरे ये कैंडल दी। अरे क्यों बुझा दी? अरे फिर जला ना। हाँ, where are you मिस्टर फ्रॉड? अरे यार फिर बुझा दी तूने। अरे मैं कैंडल लेके खड़ा हूँ, जल्दी जला। भूषण तू किधर है? अरे यार तेरे पास खड़ा हूँ, कैंडल लेके जलाना। यार शेखरन, ये तो फुलझड़ी की तरह जल रहा है। Mr. Burman, why is the candle burning like this? Mr. Burman, why is the candle burning like this? I said that's not a candle, it's a bomb! Bomb? Bomb! Bomb! हमारा रेडियो अजीत, मिस्टर तलवार,
अजीत, मिस्टर तलवार। अजीत, अजीत, मिस्टर तलवार। एक फुट, प्लीज, कुछ छुटा तो नहीं? I'm glad to see you're alive. I'm glad to see some life. रात को आसमान में रोशनी देखकर ही हम समझ गए थे कि तुम ही होगे। क्या आसमान? Oh shit! सब कुछ ठीक है ना वहाँ पे? कोई गड़बड़ तो नहीं? क्या क्या हुआ? तुम ठीक हो तो बाकी सब ठीक ही हो जाएगा। कम लेट्स गो। कितना टाइम लगेगा हमको शिप तक पहुँचने? एक घंटा और लगेगा। What's the time? 10 बजे। Very good. 11 बजे I'll have a meeting with the core group और 12 बजे investors. Okay? सर वो कॉन्फ्रेंस रूम बुक कर देना मेरे। मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है मिस्टर तलवार। क्या मतलब? नैना हैज हैड अ मीटिंग इन हर एब्सेंस। नैना हैज हैड व्हाट? हैव यू गॉन मैड? यू गाइस आर जोकिंग राइट? उसको आता क्या है? शी इज जस्ट समबडी चैट। नैना ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में तुम्हें कंपनी से अलग कर दिया है। व्हाट? और ये इंफॉर्मेशन प्रेस में भी दे दी है। आपके लिए एक मैसेज भी छोड़ा मिस्टर तलवार। आई एम सॉरी अजीत, मैं अपनी आंखों के सामने अपने डैड की और अपनी इज्जत नीलाम होते हुए नहीं देखना चाहती। एंड द फैक्ट इज यू हैव ब्रोकन माय ट्रस्ट प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। एक बार अपनी गलती खुद करके देखना चाहती हूँ। गुड बाय अजीत। आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है। क्या? वो टैक्स इंस्पेक्टर जो क्रूज पर चढ़ा था उसका पता चल गया है। नैना की डैड की सिफारिश नहीं होती ना, बड़ा बड़ी फोन। एक्सक्यूज मी मिस्टर तलवार, आई नो लॉन्गर वर्क फॉर यू नाउ, सो यू बेटर बिहेव योरसेल्फ। ही आस्किंग मी टू बिहेव। स्टॉप इट। एक तो तुम्हें रात भर से ढूंढ रहे हैं जस्ट बिकॉज वी ब्लडी केयर फॉर यू, और वो भी बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। कपूर तू रिलैक्स यार, समझ बच गए मिस्टर कपूर, बच गए मिस्टर भूषण, आप हेलो बच गए मिस्टर तलवार। हम लोग जा रहे हैं मिस्टर भूषण, तुम्हें चलना है? हाँ चलिए ना हमारे साथ। पहले आप मुझे सॉरी बोलिए। तुम्हें चलना है मिस्टर भूषण? ठीक है, मैं अपने दोस्त शेखरन को उठाता हूँ। तुम्हें चलना है तो चलो, पर वो जोकर नहीं। जोकर? जोकर भी इंसान होते हैं मिस्टर तलवार। हाँ। और ये जोकर मेरा दोस्त है, और दोस्ती में हम साथ जीतते हैं और साथ मरते हैं। अगर आपको जाना है तो जाइए। चलो ओके, सी यू मिस्टर भूषण। ओके मिस्टर भूषण, मेरा इरादा तुम्हारे साथ बुरा सलूक करने का नहीं था। जो कुछ भी हमारे बीच हुआ है, आई एम सॉरी। इट्स ओके मिस्टर तलवार, अगर मुझे कुछ हो भी जाता तो किसी का कुछ नुकसान नहीं होता। हो सकता है इसमें आपका ही कोई फायदा होता। आई एम सॉरी मिस्टर तलवार, लोग आपके बारे में भले जो कुछ भी कहें, लेकिन एक सारा दिन आपके साथ गुजार कर मुझे ये एहसास हो गया कि आप बहुत अच्छे आए। आप बिल्कुल वैसे ही निकले जैसा मैंने पहली बार सोचा था आपसे मिलकर। बहू की प्रतिभा के धनी। और मिस्टर तलवार, आपको लगे ना लगे, इट वॉज प्लेजर बींग विथ यू। गुड बाय मिस्टर तलवार, टाटा। भूषण, अरे शेखरन, अरे उठ गया भूषण, ठीक तो है। What is this behavior? अरे उस बोट में कौन है? अरे वो मिस्टर अजीत तलवार है। अजीत तलवार? अजीत तलवार? हाँ। तूने इस टैक्स फ्रॉड को रोका क्यों नहीं? अरे रोकने से क्या होता, जाने देना यार, मैंने उसे माफ कर दिया। माफ किया? वाह, व्हाट आर यू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तेरी सुच्ची हरकत को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी माफ नहीं करेगा। भूषण, दिस इज अ हीनियस एक्ट ऑफ क्राइम। You'll be prosecuted for aiding a criminal. अरे छोड़ ना यार शेखरन, जाने देना, तू भी जाने दे। This is what I hate about you North Indians.
भूषण तुझे पता है कितना लॉस इनकम टैक्स में? यू नो इफ एवरी इंडियन पेज द टैक्स ऑन टाइम द इनकम टैक्स लेवल विल कम डाउन. यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर वर्क, यू आर वेरी कैजुअल भूषण. यार शेखरन, पता है मेरे पिताजी क्या कहते थे? मेरे पिताजी कहते थे, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए. बुद्धुआ? हाँ. अगर मैं बुद्धू तो नॉर्थ इंडियन फुद्दू. व्हाट हैपेंड? तूने अपना थोबड़ा देखा है? क्या वो मेरे थोबड़े को? चार मीनार का भूत लग रहा है तू. चार मीनार का भूत? तू 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 ताजमहल का लंगूर, तू साला मछली का सड़ा हुआ अंडा, आगे चाहें तो पढ़ सकते थे आप. मेरे ख्याल से अभी आपकी सारी तमन्नाएं पूरी हो चुकी हैं. और विवाह योग? विवाह योग के बारे में भी तो बताइए मुनिवर. विवाह योग? अरे मारुति तेरा शॉट रेडी है, चलो मैं अभी आता हूँ. अरे वीरू चाचा, आप मुझे भूषण देख देख मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे. किसी भी तरीके से तेरी चाची को नहीं पता लगना चाहिए. आज वो मायके से वापस आ रही है बेटा. अच्छा, कौन सी वाली? विदेश वाली या सौतेली वाली? अरे असली वाली, कांचीपुरम की साड़ी पहनने वाली, मुन्ना और चुन्नू को जन्म देने वाली, मेरी असली बीवी. अब तुम्हें पता, अगर ये बात सारे लोगों को पता चल गई तो मोहल्ले में मेरी क्या सिद्ध रह जाएगी बेटा. ठीक है ना? ठीक है, लेकिन आपको ये वादा करना होगा. वो वादा करता हूँ मैं, सारे वादे. अरे पहले मैं पूरा बोल तो लूं. अरे मैं सारे वादे करता हूँ. आज के बाद किसी औरत को देखना तो दूर, उसे हाथ तक नहीं मिलाऊंगा. मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई बेटा, मुझे माफ कर दे. ठीक है वीरू चाचा, जाइए, मैंने आपको माफ किया. क्या बात है बेटा. वो कहते हैं ना कि अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो वीरू चाचा कह जाता है. वैसे मुहावरा अच्छा है. अच्छा? तो तूने मुझे माफ कर दिया. बिल्कुल. मेरे काम नौ बजे में तो दुकान पे जाऊंगा. तू ये काम कर, तू जब यहाँ से फ्री हो जाए ना तो चाची को स्टेशन से लेकर के घर छोड़. बिल्कुल. अरे लेकिन वीरू भूषण जी, चलिए आपको. भूषण जी, आप अभी तक तैयार नहीं हुए. रंजनी जी, अच्छा हुआ आप आ गई. देखिए कैसे मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं. वो क्या है ना कि मैंने आज तक नायक की भूमिका कभी नहीं निभाई है ना, इसलिए. भूषण जी आप क्या कह रहे हैं? सब कुछ सेट है, ड्रेस मैंने आपके कपड़े प्रेस कर दिए, कैमरा मैंने पूरी लाइटिंग सेट कर दी, सारा स्टोरी बोर्ड तैयार है, और आपका सपना अभी साकार होने में कमी है तो सिर्फ आपकी. सपना तो आपकी वजह से साकार हो रहा है रंजनी जी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आपके इतने बड़े योगदान का भुगतान मैं कैसे करूंगा. भूषण जी, that's really not necessary. मैं सोच रहा था कि आप और मैं, मेरा मतलब कि मैं और आप, यानी कि हम दोनों. देखिए अभी भी समझ में नहीं आ रहा. भूषण जी, जो बात समझ में ना आए उसे छोड़ देना चाहिए. ये बात भी सही कही आपने रंजनी जी, जो चीज समझ में ना आए उसे छोड़ देना चाहिए. चलिए छोड़ दिया रंजनी जी. फ्रेंड्स, व्हाई नॉट फ्रेंड्स फॉरएवर रंजनी जी, फ्रेंड्स फॉरएवर. फ्रेंड्स फॉरएवर भूषण जी. भूषण जी, अरे हाय. चल राही राही राही.
कोयल की सीटी, शहद के छत्ते सी मीठी। सुरीली कोयल की सीटी, शहद के छत्ते सी मीठी। चार पैसे की ये टॉफी, जिंदगी कितनी ही काफी। मोम की बत्ती से पिघले इस पल को जी लो तुम। आज ही सच है जो अब है, ये अमृत पी लो तुम। सुरीली कोयल की सीटी, शहद के छत्ते सी मीठी। चार पैसे की ये टॉफी, जिंदगी इतनी ही काफी। प्यार के पास आओ तुम, दिलों के फूल खिल जाए। अकेले की तो सब साधु और फकीर। सरल है सीधी सी लकीर, बातें समझ गए सब साधु और